छात्रों, कैसा हो अगर आपसे मैं बोलूं, कल जो आपका कक्षा 9वीं संस्कृत का पेपर सुबह 9 बजे होने वाला था, अभी अभी लीक हो गया है। और इससे भी अच्छी बात बताऊं आपको, क्वेश्चन पेपर मैंने अरेंज कर लिया है। अब मैंने कैसे अरेंज किया मैं ये बताना जरूरी नहीं समझता, मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और इसका सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाए, ताकि जो छात्र फेल होने वाले थे कम से कम वो पास हो जाएंगे, और जो छात्र टॉप करने वाले थे वो एक कदम और आगे बढ़ के टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगा है इस पेपर को लाने में। क्या बताऊँ आपको, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, कैसे मैंने इसको अरेंज किया है। तो विद्यार्थियों, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करिए, और सबसे पहले देखिए ये वीडियो जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले पूरा पेपर देख लीजिए आप, एकदम असली पेपर है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है, जो कि स्कूल से फोटो खींच करके भेजा गया है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस संपूर्ण पेपर को यहाँ पे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मैंने बना ली है। तो सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आप डाउनलोड कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए समय आपके लिए 3 घंटे का मिलेगा, जैसा कि हर पेपर में मिल रहा है आपको, और जो अंक है आपके वो 75 रहेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 1 कुछ इस प्रकार से आपके लिए देखने के लिए मिलेगा, उचित विकल्प के लिए, क्योंकि 6 विकल्प यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाले। तो जल्दी से सभी 6 सही विकल्प आप देख लीजिए। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक ये रिक्त स्थान रहेंगे, इनको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में आपसे सही जोड़ियाँ रहेंगी, जो कि 2 सही जोड़ियाँ यहाँ पे दी गई हैं, बाकी की सही जोड़ियाँ नेक्स्ट पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। चौथे क्वेश्चन में 1 वाक्य 1 शब्द में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि इनके आंसर्स मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, देखिए मैं आंसर्स आपको पीडीएफ के रूप में ही दे देता हूँ। ठीक है, पीडीएफ जो है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कैसे आपको इस पेपर का पीडीएफ, क्योंकि पेपर भी हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो, तो पेपर का पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ दोनों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो विद्यार्थियों, अभी के अभी लाइक कर दीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 तक सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। तो विद्यार्थियों, आप सभी यहाँ पे आज पेपर दे करके आए होंगे, जो कि मैंने पहले ही डाल दिया था, आप सभी चैनल पर जाकर चेक कर लेना, अगर आपने वो पेपर देखा होगा तो आज भी आपको 75 में से 75 अंक मिले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 के ये जो है यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, ठीक है 17 यहाँ तक है आपका, क्वेश्चन नंबर 18 भी दिया गया है। तो विद्यार्थियों, संपूर्ण क्वेश्चन पेपर जल्दी से देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पे एक पद्यांश है, उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको देख करके हमें आंसर देने हैं इसका, अथवा दिया गया है 20वें का। इसके बाद विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21वां दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ तक ये 21वां है। इसके बाद विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 21वें का अथवा है। इसके बाद देखिए, आप सभी की हमेशा से यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि एप्लीकेशन किस चीज़ की आएगी, तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है अवकाश के लिए। ठीक है, अवकाशम हेतु प्रार्थना पत्रम। इसके बाद देखिए जो है आपका निबंध से रिलेटेड क्वेरीज रहती हैं कि निबंध कौन सा आएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे महाकवि कालिदास का अगर आपको याद है तो ये लिख देना, या फिर सदाचार का लिख देना, पर्यावरण का लिख लेना, या फिर उत्सव का लिख लेना। ठीक है, तो टोटल 4 निबंध आपसे पूछे जाएंगे। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, और इसके सॉल्यूशन का जो पीडीएफ है वो आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले जल्दी से अपना मोबाइल यहाँ पे ओपन कर लें। ठीक है, मोबाइल में आपको क्या करना होगा, मोबाइल में आपको यहाँ पे देखिए गूगल को ओपन करना होगा। ठीक है, तो मोबाइल में जल्दी से यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे जाइए, देखिए क्रोम ब्राउजर होगा आपके मोबाइल में, और वहां पे जाकर के आप गूगल को ओपन कर लीजिए। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा स्टडी नोट्स पीजे सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिख करके बता दूं क्या सर्च करना है आप। विद्यार्थियों, यहाँ पे देखिए आपको सर्च करना है स्टडी नोट्स पीजे। ठीक है, चैनल का नाम जो है स्टडी नोट्स पीजे आपको दिख रहा होगा, ये आपको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, सबसे पहला रिजल्ट आपको दिखेगा studynotespj.com। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली ये एक प्लेटफॉर्म पे ले आएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 प्लेटफॉर्म है त्रैमासिक पेपर 2023 पीडीएफ के लिए। ठीक है, ये आपके लिए ही बनाया गया है। तो आपको नीचे आते जाना है, और यहाँ पे देखिए जॉब बॉय क्वालिफिकेशन के सेक्शन में MP बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो MP बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप एमपी बोर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल सहित यहाँ पे नीचे दिए गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह होगी कि सभी विषयों के पेपर यहाँ पे और सभी कक्षाओं के पेपर यहाँ पे डाल दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा नौवीं का मैं बता रहा हूँ, इसी प्रकार से आप सभी कक्षाओं के कर लेना। अगर आप दसवीं का देखने आए थे या फिर ग्यारहवीं या फिर बारहवीं, तो सेम प्रोसेस रहेगी जैसा मैं नौवीं में बता रहा हूँ। तो देखिये कक्षा नौवीं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे विषय दिए गए हैं और यहाँ पे सेट दिए गए। तो चलिए हम कक्षा नौवीं में सबसे नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे संस्कृत हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए संस्कृत हमें दिया गया है। अब देखिए सेट ए भी दिया गया है संस्कृत का, सेट बी भी दिया गया है, सेट सी भी दिया गया है, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो संस्कृत का सेट सी था। तो देखिए मैं संस्कृत के सेट सी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक ऐड आएगी, उसको बंद करना होगा। उसको बंद करने के बाद देखिए ये असली पेपर जो है वायरल हुआ है, यहाँ पे देखिएगा। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो देखिए एकदम असली पेपर आपका यहाँ पे डला हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए जो है इसकी फोटो उसको सेव कर सकते हैं गैलरी में, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाएगा सेव करने का। अब बारी आती है आपको सॉल्यूशन बताने की, तो आपको नीचे आते जाना है, नीचे आते जाना है, नीचे आना है। तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों ये निर्देश दिए गए हैं, ये सारे के सारे निर्देश जो है आपको पढ़ना बहुत आवश्यक है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए काम डाउन समाप्त होगा और यहाँ पे एक हरे कलर का डाउनलोड का बटन आ गया है, ठीक है। देखिए हरे कलर का डाउनलोड का बटन है, अब इस पे जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों ये डाउनलोड हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। यहाँ पे देखिए कक्षा नौवीं संस्कृत का यहाँ पे सॉल्यूशन डाउनलोड हो चुका है। तो विद्यार्थियों हरे कलर के डाउनलोड के बटन पे ही आपको क्लिक करना है ताकि आप सॉल्यूशन को डाउनलोड कर पाएंगे, और किसी भी एक यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर देना तो ये काम डाउन जल्दी समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप बड़े ही आसान तरीके से यहाँ पे कक्षा नौवीं का देखिए एकदम असली पेपर है, आप यहाँ से देख सकते हैं कक्षा नौवीं संस्कृत का, देखिए ये एकदम असली पेपर है, पूरा पेपर आप देख सकते हैं। तो ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप जल्दी से तैयारी करिए, कल सुबह तक का आपके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर